आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। भोजपुरी के दो सुपरस्टार की लड़ाई में अब हुई है निरहुआ की एंट्री। दोनों स्टार गायकों के लिए कह दी ये बड़ी बात। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद भोजपुरी फिल्मों के कई बड़े कलाकार भी अपने बातों को सामने रख चुके हैं। बता दें कि इन सब के बीच इंतजार किया जा रहा था कि भोजपुरी फिल्मों की जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ दोनों सितारों के झगड़े को लेकर क्या सोचते हैं। अब निरहुआ ने भी पवन सिंह और खेसारी यादव के झगड़े में एंट्री कर ली है। भोजपुरी फिल्मों में सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों का रिकॉर्ड बना चुके दिनेश यादव निरहुआ ने दोनों की इस लड़ाई पर अपनी चुप्पी तोड़ी। निरहुआ ने इन दोनों कलाकारों के बीच हुए विवाद पर कहा है कि हम सभी आपस में काफी प्रेम करते हैं, हम लोग अक्सर अवार्ड फंक्शन, बर्थडे या फिर कोई इवेंट में मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि खेसारी की आदत है कि वह जब भी पवन सिंह से मिलते हैं तो भैया बोलते हैं और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब मैंने पवन से बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने इतना काम करने के बाद 3 BHK फ्लैट लिया है और वह रोज इतनी बिल्डिंग खरीदता है, यही सोच पर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उन्होंने बताया कि खेसारी जानबूझकर पवन सिंह को परेशान करने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। इसी दौरान दिनेश सिंह यादव ने एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया है कि जब पवन सिंह एक बार शूटिंग के लिए दिल्ली गए थे तो खेसारी भी वहां पहुंच गया। ऐसे में खेसारी ने पवन सिंह से मिलने की जिद की तो उन्होंने उससे मिलने बुला लिया। खेसारी जैसे ही पवन सिंह से मिले तो उन्होंने कहा कि भैया जी मैं पानी के बीच में होटल बना रहा हूँ। खेसारी का यह बात सुनते ही पवन उठे और कमरे की खिड़की खोलकर बोले कि तू क्या चाहता है या मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूँ। निरहुआ ने बताया कि इस दौरान पवन सिंह ने मजाक में यह तक कह दिया था कि सबको पता है कि इस समय कमरे में सिर्फ खेसारी ही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम में पहुंचे पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर जमकर निशाना साधा था। स्टेज पर पवन सिंह ने कुछ आपत्तिजनक इशारे भी किए। इतना ही नहीं, उन्होंने खेसारी को 5,000 रुपए लेकर नाचने वाला करार कर दिया। इसके बाद खेसारी ने वीडियो शेयर कर कहा, मैं कॉम्पिटिशन नहीं करता, काम करता हूँ। कुछ लोगों का शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन दिमाग नहीं। स्टेज पर चढ़कर मुझे इशारे कर रहे हैं, यही शिक्षा मिली है। मैं तो शर्म से मर जाऊं, मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। अपना अहंकार दिमाग से हटा लीजिए, मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं है। बता दें कि गोबर सिंह हो गए हैं, भगवान ने जबान दिया है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करें। खेसारी यादव पवन सिंह के बीच झगड़े की मुख्य वजह हाल ही में रिलीज हुआ रैपर बादशाह के पानी पानी गाने के भोजपुरी वर्जन को माना जा रहा है। इस गाने में बादशाह खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने भी अपनी आवाज़ दी है और वीडियो में काम भी किया है। इस गाने को YouTube पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है क्योंकि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है और पवन सिंह ने अक्षरा के फिल्मी करियर को लगभग खत्म कर दिया है। वहीं अब वह नहीं चाहते हैं कि अक्षरा को किसी प्रकार का सपोर्ट मिले। बता दें कि यही कारण है कि पवन सिंह ने अपनी सारी नाराजगी खेसारी लाल यादव पर निकाल दी। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ NBC 24 पर।